वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, आई एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास, मैस है यानी किस क्या चीज़ होती है। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि मैस जो होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, यानी कि किसी बॉडी की जो बॉडी के अंदर उसकी मैटर की क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाती है, उसकी मैस कहलाती है। इसी तरह हम उसका मैस फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास मैस, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस एम, हम कंसिडर कर लेते हैं एक बॉडी है जिसका मैस हमारे पास क्या है, एम है। यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी बनी हुई है, इसका मैस क्या आ गया हमारे पास, एम आ गया है हमारे पास, इसका मैस एम आ गया है। ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, किसके ऊपर पड़ी हुई है ये हमारे पास, सर्फेस ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ आ गई है, अर्थ है। और ये क्या है हमारे पास, एनी बॉडी है हमारे पास, बॉडी कहाँ पे है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, किसके ऊपर पड़ी हुई है ये बॉडी, अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारे पास पड़ी हुई बॉडी है ये हमारे पास है, इसका मैस एम है। और जबकि ये हमारे पास क्या है, एम ई है, एम ई क्या है, लेट द मैस ऑफ अर्थ बी एम ई, हमने मैस ऑफ अर्थ क्या लेकर रखा हुआ है, एम ई है, एंड एंड द रेडियस ऑफ अर्थ बी आर, और आर रेडियस जो है हमारे पास अर्थ का वो क्या है, आर है, यानी कि डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी कि सर्फेस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या है हमारे पास, अर्थ का रेडियस जो होता है हमारे पास इस कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, जो कि क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू, यानी कि आर क्या है हमारे पास, रेडियस है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10^6 मीटर है हमारे पास, यानी कि अर्थ का जो सर्फस जो रेडियस आ रहा है कितना आ रहा है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10^6 मीटर आ जाएगा हमारे पास है। तो अब हम इन्हें क्या करना है कि इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना क्या करेंगे, अपनी मैस ऑफ अर्थ को की डेरिवेशंस निकालेंगे। हमारे पास क्या आता है, मैस ऑफ अर्थ आ गई, हमारे पास रेडियस अर्थ आ गया है, और मैस ऑफ अर्थ हमने ए एम ई फाइंड करना है, आर इसका हमारे पास गिवन है जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पिछले ही दिनों हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या आता है, F इज इक्वल टू जी एम, एम क्या है, मैस ऑफ द बॉडी है, क्या है हमारे पास, मैस ऑफ द बॉडी है जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास है। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम ई क्या है हमारे पास, साथ क्या आ गया, मैस ऑफ अर्थ आ गया है, एम ई आ गया है हमारे पास, मैस ऑफ अर्थ आ गया, ये अर्थ का मैस आ गया हमारे पास है, और आर स्केल आ गया, यानी कि जो रेडियस है उसका हमारे पास स्केल आ गया है हमारे पास, ये क्या गया, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आ गई है। ये जी क्या है हमारे पास, जी हमारे पास यहाँ पे है, हम डिस्कस करते हैं इसको, जी हमारे पास क्या है, एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है हमारे पास। हियर जी इज अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, हियर जी इज अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, जबकि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट होगा उसकी हमारे पास एक फिक्स वैल्यू मौजूद होगी। अब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की जो हमारे पास जी की जो वैल्यू आ रही है वो ये मौजूद है हमारे पास, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 है हमारे पास, -11, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यूनिट। हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया है, हमारे पास जी मालूम है, हमारे पास रेडियस है, हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या आ रहा है कि हमारे पास आगे हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन आ रही है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर, यानी कि कोई भी बॉडी जो है हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में आ रही है या फिर अर्थ की सर्फेस के ऊपर पड़ी है, जैसे कि ये बॉडी हमारे पास एक मैस एम है हमारे पास अर्थ की सर्फेस के ऊपर पड़ी है, ये इसको अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है अपनी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से। दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, और ये जो फोर्स होती है हमारे पास बॉडी के वेट के इक्वल होती है, यानी कि जितना उसका वेट होगा वही उतनी उसकी क्या होगी, फोर्स होगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे यू कुछ इस तरह आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अब ये क्या आ गई हमारे पास, क्वेश्चन 1 आ गई है, एंड ये क्या आ गई, क्वेश्चन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। अब हमने 1 एंड 2 को कंपेयर कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई, यानी कि एम क्या है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
और एम ई क्या है हमारे पास, मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास, आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास जो मौजूद है हमारे पास है। अब ये जो आ गया हमारे पास, ये आगे दोनों का कंपैरिजन हो गया हमारे पास, तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे क्या है कि ये एम इस एम के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्केयर आ गया हमारे पास। अब ये जो आर स्केयर है इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगी ये वाली कि आर स्केयर जी जी एम ई आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास जी एम ई है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो ये आर स्केयर हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास मौजूद है हमारे पास, और एम ई इधर आ जाएगा हमारे पास, तो इधर आ जाएगा जब हमारे पास एम ई, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्केयर जी ओवर जी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, आर स्केयर जी ओवर जी आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम इसकी अब हमारे पास आर स्केयर की ये हमारे पास क्या आ गया है, मैथ ऑफ अर्थ की क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है हमारे पास, मैथ ऑफ अर्थ की इक्वेशन आ गई है। अब हम इसमें से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास जी जो है इसकी कितनी वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर की वैल्यू होती है हमें मालूम है। अब इन तमाम वैल्यूज को, ये जो जी की वैल्यू है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनकी तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा एम ई इज इक्वल टू आर क्या था हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर है हमारे पास, 10 टू रेस पावर 6 आ गया हमारे पास। ये क्या गया 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर 6 आ गया। आगे क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आगे क्या आ गया हमारे पास, इसका क्या आ गया, स्केयर आ गया हमारे पास, इसका स्केयर मौजूद था यहाँ पे हमारे पास, इसका स्केयर मौजूद था, इसका स्केयर आ गया है। आगे जी आ गया है, जी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 आ गया हमारे पास इनटू, और नीचे क्या आ गया है, जी आ गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आ गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे यूँ लिखेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगी हमारे पास। तो अब ये क्या गया, इसको जो हमने सोल्यूशन किया, इसका हल किया, कैलकुलेट किया, तो टोटल मास ऑफ अर्थ को, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, एम ई इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 आ गया है। और मास के यूनिट क्या होते हैं, मास के हमें पता है कि यूनिट केजी होते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया है, केजी आ गया हमारे पास। मास ऑफ अर्थ कितना गया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम आ गई हमारे पास। तो हमारे पास जो रिजल्ट क्या निकला है, द मास ऑफ अर्थ कितना आ गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 केजी आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारा अपना रिजल्ट निकला है, हमने मास ऑफ अर्थ निकाल लिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आज के लिए इतना काफी है। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।